सीधे सीधे कांग्रेस, सपा, बसपा, योगी आदित्यनाथ आप पर आरोप लगा रही है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से आप अपना मेजोरिटेरियन एजेंडा देश पर थोपने लगे हैं और जो लोग हिंदू नहीं भी हैं उनको भी किसी ना किसी तरीके से आप डराकर, धमकाकर, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सरासर असत्य कथन है। संसद में इस पर चर्चा हुई है। कल जिन 600 घटनाओं के बाद कांग्रेस के नेता खड़गे जी कर रहे थे एक भी उदाहरण उन्होंने नहीं दिया है। और जो सरकारी रिकॉर्ड है आए भी हैं वह 113 घटनाओं के आए हैं, 600 के नहीं, एक। और अगर आप देखेंगे उससे पहले की घटनाओं को देखेंगे, अभी इस सरकार को आए हुए मात्र 2.5 महीने हुए हैं और 2.5 महीने में आप चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों के कचड़े को एक झटके में साफ कर दिया जाए, वो संभव नहीं है। ये घटनाएं पूर्व की सरकारों के द्वारा जो सांप्रदायिक एजेंडा इस देश के अंदर लागू करने का प्रयास हुआ था उसकी परिणति है और वो लगातार पिछले 10 वर्षों कहा यह जा रहा है कि चुनाव में जीत के बाद जो हिंदू फ्रिंज था, राइट विंग फ्रिंज था, पिछले 10 वर्षों के जो ऐसे तत्व थे जो कि पहले किनारे थे अब वो सेंटर स्टेज आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूं ना कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। संसद की पूरी बहस आपने सुनी होगी, किसी भी सदस्य ने, विपक्ष के किसी भी सदस्य ने, कांग्रेस, सपा, आरजेडी या किसी भी सदस्य ने इस प्रकार के झूठी अफवाह फैलाने के सिवाय कोई तथ्य दिया, कोई उदाहरण दिया? हमने तो बहुत सारे उदाहरण उनको दिए हैं। सहारनपुर का दंगा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था, पुलिस को मालूम था। देखिए कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, ये दंगे वहीं पर क्यों हो रहे हैं जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी जेडीयू या फिर अन्य उनके सहयोगी दलों के जो सरकारें वहीं पर क्यों हो रही है? कारण है प्रशासन शासन की मंशा के अनुसार कार्य करता है और प्रशासन जानता है कि वहां का स्थानीय जो राज्य सरकार है वो नहीं चाहती है कि इन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो जो दंगा भर का भड़का रहे हैं या जो इस अराजकता के पीछे। इसका भी सबूत नहीं है, जैसे आप कहे, क्या सबूत है? मैंने कहा सहारनपुर की घटना के सामने उदाहरण है, काट की घटना के सामने उदाहरण है, मुजफ्फरनगर की घटना के सामने उदाहरण है। हाल के दिनों में आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी ने लव जिहाद के मुद्दे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े तरीके से निकाला है। रक्षाबंधन पर राखियां बांधी गई, साथ के साथ पोस्टर डाले गए सैफ अली खान के, किस तरीके से दो हिंदू महिलाओं को लेकर भाग गए। क्या आपको लगता है कि लव जिहाद हकीकत है? आप साथ देखिए ये लव जिहाद शब्द कहां से आया मालूम है आपको? कहां से? केरल से प्रारंभ हुआ है और केरल के अंदर सबसे पहले ये घटनाओं को सामने लाया गया था। 2007 में 2003 से लेकर के 2007 तक मुलायम सिंह यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर थे और 2006 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए नोटिस जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाओं के गायब होने, हिंदू बालिकाओं के साथ जबरन करने की घटनाएं ज्यादा आ रही हैं, इसका संज्ञान लें, इस पर कार्रवाई करिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया, तब भी नहीं किया। इस बार पुनः 2012 में जब ये लोग आए हैं उसके बाद से फिर इन घटनाओं में वृद्धि हुई है। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, सच्चाई क्या है मैं बताता हूं। योगी आदित्यनाथ जी सच्चाई क्या है मैं बताता हूं। हमारे संवाददाता निकले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छाट छाट कर, गांव में जाके, देहात में जाके, शहरों में जाके, पुलिस स्टेशनों में जाके लोगों से बात की, निकल के आया कि जितने भी ऐसे केस थे वहां पर महिलाएं अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गए। मेरी बात सुनिए योगी आदित्यनाथ जी, मेरी इस बात सुनिए, क्योंकि आप बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं, पूरे समुदाय को आप बुरा नाम दे रहे हैं, हकीकत आप एक साजिश करार दे रहे हैं। बिल्कुल साजिश है, लेकिन हकीकत यह है कि जिस भी महिला से बात करो वो कहती है कि अपनी मर्जी से गई, तो ये हकीकत है। जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं है। अभी मेरठ के अंदर जो घटना घटित हुई, क्या निकला उसमें? महिला ने आखिर में क्या बोला कि मैं अपनी मर्जी से गई? महिला ने ये जब लाइट डिटेक्टर टेस्ट हुआ, जब उसके पेरेंट्स का लाइट डिटेक्टर टेस्ट हुआ तो उसमें निकल के आया कि माता पिता झूठ बोल रहे हैं। ये हकीकत है योगी जी। हमें कहते हैं कि वो बालिका स्वयं शिकायत करती है,
वो पालिका कहती है कि जिस मदरसे में मुझे रखा गया उस मदरसे के पालिका का बयान मैं बता रहा हूँ आपको। पालिका का बयान वो कह रही है आखिरकार कि मैं अपनी मर्जी से गई लड़के के साथ। कोई बालिका इस बात को नहीं कहती है, वो ये कहती है। आपने पढ़ा ही नहीं फिर बयान लड़की का क्या निकल के आया है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट बयान क्या है। वो बालिका, उस बालिका ने कहा मदरसे में इस प्रकार की 40 से 50 अन्य बालिकाएं थी, पुलिस के द्वारा घटना लीक करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जनाब माता पिता ने झूठ बोला, ये लाई डिटेक्टर टेस्ट में निकल के आया है। कैसी बात करते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चे के बारे में झूठ बोल सकता है? लाई डिटेक्टर टेस्ट झूठ बोल रहा है। लाई डिटेक्टर लव जिहाद का आपके पास सबूत क्या आया? हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाती है कि जहाँ जहाँ भी गए महिलाओं ने बोला कि वो अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई। हिंदू बालिकाओं के बारे में क्यों हो रहा है, मुस्लिम बालिकाओं के बारे में क्यों नहीं हो रहा है? आपको कैसे मालूम नहीं हो रहा? कई सारे ऐसे भी उदाहरण है जहाँ पे मुस्लिम बालिकाओं ने हिंदुओं से शादी की है, वो आपको नहीं दिखता है। मैं कह रहा हूँ इस प्रकार मुस्लिम बालिकाओं के मामले में पुलिस कार्रवाई करती है, हिंदू बालिकाओं के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। ये भी आपका आरोप है, मैं कह रहा हूँ जिसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक बात बोली कि आपके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो दिखाता है कि लव जिहाद नाम की कंस्पिरेसी चल रही है। ये ढोंग है, ढोंग नहीं, ये फरेब है, लोगों को पोलराइज करने की कोशिश है। ये सच्चाई है और ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर ये उनके जिहाद का एक हिस्सा है और उसके तहत ही हो रहा है। आप क्या सबूत है आपके पास? मैंने कहा ना, नहीं नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे दिखा रहे हैं कि कैसी किसी सोची समझी साजिश के तहत लव जिहाद हो रहा है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ प्यार करती है और शादी करती है तो लव जिहाद नहीं जनाब, वो लव होता है। और उसके खिलाफ किसी भी योगी जिहाद को किसी के भी नाम पर, जिहाद के नाम पर लव दिखाया जा रहा है। आप कह रहा इस तरह के बयानों से जिसमें सत्य कुछ है, आरोप कुछ है, पूरा देश पोलराइज हो रहा है, क्या ये ठीक है? आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को बांट रहे हैं, क्या ये ठीक है? ये देश के हित के लिए मैं कह रहा हूँ। देश का हित कैसा हुआ? आपका हित निकलेगा वहाँ पे जब असेंबली इलेक्शन होंगे, तो हो सकता है बीजेपी को फायदा हो। नहीं, ये असेंबली के लिए नहीं है हमारा, असेंबली इलेक्शन 2017 में है, इस समय असेंबली का इलेक्शन नहीं है। और हम लोग आज से नहीं बोल रहे हैं इन मुद्दों पर, मैं 1996 से लड़ रहा हूँ। एक के बाद एक कोई बीजेपी का मंत्री है, कोई आरएसएस का नेता है, कोई बीएचपी का है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे लगता है कि मानो हिंदुत्व एजेंडा पूरे देश पे थोपा जा रहा है, जबकि देश है सेक्युलर देश। कहा जाता है कि नहीं, हम भारत को हिंदुत्व देश की नजर से देखना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। हिंदू का मतलब आपका है? हिंदू का मेरा मतलब क्या है? हिंदुत्व में को आपत्ति है क्या? जब कोई कह नहीं, क्योंकि भारत कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से योगी जी एक सेक्युलर देश है, ऐसा देश जहां पे आप हिंदू हैं, आपको हक है हिंदू होने का, आपको हक है अपना धर्म प्रैक्टिस करने का, अगर कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, उसको भी आप ही जितना हक है। देखिए उसको ना बदलिए। मैं एक बात बताता हूं आपको, आपको एक सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। संविधान में सेक्युलर शब्द जिसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है इस देश में, हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टिकरण का पर्याय बन चुका है। और इस शब्द जब इस देश ने 26 जनवरी 1949 को अपना संविधान स्वीकार किया था, उस समय शब्द संविधान में नहीं था। इस संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में, जब इस देश में एक निलंबित संसद थी, या एक ऐसी संसद थी जो इस देश के लोकतंत्र। अब क्या चाहते हैं कि सेक्युलर शब्द ना हो संविधान? क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए पहले ना। उस समय डाला गया था जब इस देश के सभी विपक्षी नेता जेल में थे। दूसरा ये नहीं, आपका कहने का तात्पर्य क्या है? क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तान, योगी जी मेरे सवाल का जवाब, सीधी बात हो रही है, आप घुमाइए नहीं, उसी पे आ रहा हूँ। क्या आप मानते हैं कि भारत सेक्युलर देश है या नहीं? मैं वही आ रहा हूँ, भारत सेक्युलर देश इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है। आखिर भारत से अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेकुलरिज्म कहाँ मर गई है? सवाल वो नहीं है, हम हिंदुस्तान क्यों नहीं है? हमें हिंदुस्तान, हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्या चिंता है? हमें चिंता है हिंदुस्तान की। वे भारत के पार्ट थे, अगर कोई भारत के अंदर सेकुलरिज्म देखना चाहता है तो उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर इसकी वकालत करनी चाहिए, एक। और दूसरा मैं कहता हूँ, हिंदू ही अपने आप में सेकुलर होने की सबसे बड़ी गारंटी है। हिंदू सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी गारंटी है, इसलिए है हिंदू आज से नहीं, हिंदू दर्शन इन सब बातों पर विश्वास करता है। मैं कहता हूं यही मुसलमान जब सऊदी अरब जाता है, इनकी सबसे पवित्र भूमि है, हज करने के लिए जाता है,
वहाँ हिंदू नाम से संबोधित होता है। हिंदू नाम से नहीं संबोधित, क्या बात हिंद नाम से संबोधित होता है। आप यही तो कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा करें हिंदू में हिंद, क्योंकि वो हिंदुस्तान से आते हैं। तो हिंदू क्या है? अरे देश हिंदू नहीं है, फर्क है, फर्क है, यही तो फर्क है जो कि देश को बांटने का काम कर रहा है। हिंद और हिंदू में, अगर इस देश में एक ईसाई मंत्री कहता है कि मैं ईसाई हिंदू हूँ, तो आप लोगों को तब भी बुरा लग जाता है। नहीं, वो उनकी खुद की सोच है, उनकी सोच पे आप, लेकिन लेकिन वही ईसाई मंत्री ये नहीं कह सकता कि देश के सारे ईसाई हिंदू हैं। वो ईसाई मंत्री ये जरूर कह सकता है कि मैं एक ईसाई हिंदू हूँ, वो उनकी मर्जी है। उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी पहचान हिंदू इस देश की राष्ट्रीयता है और मेरी पहचान एक हिंदू ईसाई की है। मैं कहता हूँ एक हिंदू सनातनी के रूप में मैं अपने आप को मानता हूँ, कौन बुरा करता हूँ? अगर कोई ये कहता है कि मैं हिंदू, इस देश का हिंदू मेरी राष्ट्रीयता, मेरा मजहब मुस्लिम है, मजहब अलग होता है, धर्म अलग होता है।